उसको। मम्मी बचाओ। थैंक यू मोटा भाई, एकदम भगवान की तरह बचाया तुमने। भगवान होता तो उड़न तश्तरी में आता बेड़ू। साची बात है मोटा भाई, इंसान ही इंसान की मदद करता है। मुरली मनोहर थोड़ी आएगा इंसान की मदद करने के लिए। सही बोला। और तेज। लगता है इंपोर्टेड बाइक है। इसकी हाईएस्ट स्पीड कितनी है? मुंबई टू अहमदाबाद 2 घंटे में पहुंचा सकती है, एकदम बुलेट ट्रेन की माफिक। हाँ हाँ, बराबर बोला। बाइक रेसिंग का काफी एक्सपीरियंस है तुझे। कोई शक? हाथ हैंडल पर मोटा भाई। अभिमन्यु के मैरिज और अर्जुन के वॉर में मैं ही उनका सारथी था। अरे शू करे छे देख के। अरे सवाल के सवाल कर रहे, एक्सीडेंट हो जाएगा। अरे गाड़ी आ रही सामने से, क्या कर रहा है? ओए खसो खसो खसो, बाजू खसो। ए किरदारी कहां फंसा दिया। मरी क्यों रे मम्मी? क्या कर रहा है? अरे इसे अपने हाथ से बचा ले। ये कौन सा स्टंट कर रहा है? तुझे मौत से डर नहीं लगता क्या? डर? वो तो मेरे मामा को लगा था। मामा? ये कहां से आ गया? कंस मामू रे। पहले अर्जुन फिर कंस? तुम क्या कृष्ण हो? हे जगमोहन, आकर मुझे बचा ले इस पागल इंसान से। मम्मी बचाओ, मर गया। बची क्यों? अबे क्या कर रहा है? चील? बाप रे, वो क्या है भाई? हमारी ही तरफ आ रही है। भाई आज के बाद कुत्ता कभी बंद। हाश, बची गयो। मोटा भाई, मुझे गांधीनगर ड्रॉप कर देना। बीच रास्ते में गाड़ी क्यों रुकती? स्ट्रेट जाके राइट लेना, फिर लेफ्ट लेना, घर पहुंच जाओगे। अरे जब इतनी दूर आ गए हैं तो मुझे घर तक ही छोड़ दो ना। लिसन ब्रो, मेरा काम था तुम्हें रास्ता दिखाना, उस पर चलना तेरा काम है। अरे यार ठीक है, थैंक्स। ये लो यार, 100 रुपए रख। खमण खा लेना। तुमने अपना नाम नहीं बताया। गोविंद गोपाल हरि। अच्छा नाम है। कमलनाथ कमल नयन मोहन मुरली कृष्ण मुरारी जगदीश जगत गुरु जगन्नाथ जनार्दन। ये नाम है तेरा? मुझे अलग अलग लोग अलग अलग नाम से पुकारते हैं। मधुसूदन गिरधर मनोहर माधव। बस बस, लिफ्ट के लिए थैंक्स। बाप रे, ये तो साधुओं का भी बाप है। वासुदेव विष्णु परमात्मा परब्रह्म परम शक्ति नारायण। ओ निकल ले गोपाल। नारायण निकल गया। चलो जल्दी करो, इससे पहले कि उस मनहूस की छाया फिर से पड़े। जीजू ये देखो, मनहूस हाजिर।
मुझे लगा था तुझे लोन देकर कुछ पैसे कमा लूंगा। देखो क्या हासिल हुआ। जीजू मेरी बात तो सुनो। मुझसे रिश्तेदारी तोड़ दो। चलो अंदर बैठो। पता नहीं किस मनहूस घड़ी में इनसे रिश्ता हुआ था। एक मिनट रुके तो सही। देखा तुमने किस तरह बात कर रहे थे मुझसे। चलो बेटी। ये सब क्या है मीनाक्षी? मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी परेशानी बांट सकती हूँ, लेकिन मैं ये पाप नहीं कर सकती। ये क्या कर रही हो? ये सब मैं तुम्हारे लिए तो कर रहा हूँ। अगर ऐसा है तो केस वापस ले लो। डैडी बात को समझो मीनाक्षी, हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। तुमने सबका हश्र देखा ना, इसे कुछ हो जाता तो। अरे मीनाक्षी मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। ए किसने फेंका ये? सामने आ डैडी। अरे बेटा मीनाक्षी। डैडी बेटा। डैडी बेटा मम्मी को बोलो गाड़ी रोके। डैडी जिद्दी कौन है, मैं या आप? इतनी बड़ी गलती करने के बाद भी बहस किए जा रहे हैं। मीनू ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया है, समझती क्यों नहीं हो? मुझे कुछ भी नहीं समझना। आपकी नजर में सारी दुनिया गलत है। मैं ये रिश्ता और नहीं निभा सकती। मुझे अकेला छोड़िए। जरा रुकना भैया। भाई साहब हाँ? एडवोकेट अकबर का घर कहाँ है? सीधा जाके लेफ्ट लेना। अच्छा वहाँ तक ले चलो। अकबर खान साहब का घर किधर है? सीधा जाके लेफ्ट लेना। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। ओ भाई साहब यहाँ पे अकबर भाई का घर कहाँ है? ओ भाई साहब अकबर भाई का घर पूछ रहा हूँ। अरे सीधे जाओ फिर लेफ्ट हो जाओ। चल परा। मुल्क के अलग अलग कोनों से 300 से ज्यादा रिक्वेस्ट, 150 लेटर्स और उतने ही फोन कॉल्स आए हैं। केरला, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पंजाब, ये सब एक्ट ऑफ गॉड के विक्टिम्स हैं। ये सभी क्लेम्स इंश्योरेंस कंपनी ने इसी क्लॉज के तहत रिजेक्ट कर दिए हैं। और ये सभी इसी उम्मीद से आए हैं कि तुम इनका केस लड़के इन्हें मुआवजा दिलाओगे। ये अनवर है। आदाब। आदाब। भूकंप में इसने अपना सब कुछ खो दिया, अपना घर, बिजनेस और बहन की शादी के लिए इकट्ठा किया हुआ पैसा। तो तुम केस क्यों नहीं करते? क्या करूं, अपने मजहब के खिलाफ कैसे जाऊं? अनवर मेरी बात को समझो, तुम किसी भी मजहब की मुखालफत नहीं कर रहे हो। मजहब का मतलब समझाने वाले से, नमाज सिखाने वाले से ये सवाल कर रहे हो कि उस अल्लाह ताला ने तुम्हारे साथ ऐसी नाइंसाफी क्यों की। पर कौम के लोग क्या कहेंगे? कौम के लोग कुछ भी कहें अनवर भाई, तुम अपने बीवी बच्चों को सड़क पर सुलाओगे? मजहब इंसानों से बनता है, मजहब से इंसान नहीं बनता। नमस्ते, मेरा बेटा एक डॉक्टर था, मेरी बहू एक नर्स थी, ये मेरा पोता है। समुद्र किनारे एक बस्ती थी, वहां महामारी फैल गई, दोनों मेडिकल कैंप के लिए गए, वहां से कभी नहीं लौटे। वो एक सुनामी के शिकार हुए। एक ही दिन में एक बूढ़ी माँ और एक बच्चा दोनों ही एक साथ अनाथ हो गए। अंकल मैं स्कूल जा सकूं इसलिए दादी दिन रात काम करती है, मुझे किसी चाय की दुकान में काम दिला देंगे? मेरी दादी की सेहत ठीक नहीं रहती है। इन सारे केसेस को फाइल करने में कितना वक्त लगेगा अकबर भाई? जितना टाइप करने में लगेगा। रिलैक्स शंकर नारायण, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। एक्ट ऑफ गॉड को चैलेंज करने के लिए गोपाल राव के नक्शे कदम पर चलते हुए और 700 लोग सामने आए हैं। सभी धर्म गुरुओं को नोटिस मिल चुके हैं। डिफेंडिंग लॉयर शंकर नारायण इंश्योरेंस कंपनीज और धर्म गुरुओं की तरफ से पैरवी करेंगे। पहले 1 करोड़ ही था, अब 500 करोड़ के क्लेम्स तेरा बाप भरेगा? भगवान से कहो कि वो खुद ही पे करें। प्रूव करो कि भगवान होता है। मंदिर, मस्जिद, चर्च, कहीं भी जाओ। अरे ओ गोपाल राव, दुनिया में होने वाली अनहोनियों के लिए तुम खुदा के ऊपर कैसे इल्जाम लगा सकते हो? मौलवी साहब, भूकंप और सुनामी आने के पीछे भगवान का ही तो हाथ होता है। अब ये कौन से भगवान का हाथ है ये आप बेहतर जानते होंगे। जज साहब, ये धार्मिक गुरु 24 घंटे भगवान के टच में रहते हैं।
आप इनसे पूछिए कि भूकंप कौन पैदा करता है। भगवान अपने भक्तों के साथ ऐसे अनर्थ क्यों करने लगा? जीसस अपने सब बच्चों से प्यार करते हैं। अल्लाह अपने नेक बंदों को कभी भी इस तरह से तकलीफ नहीं पहुंचा सकता। क्या हमारा भगवान ऐसा करता है? तेरे भगवान की बातें मेरे को क्या मालूम। जीसस कभी इनजस्टिस नहीं करेंगे। हमारा अल्लाह बंदों से प्यार करता है। मतलब जीसस कम करते हैं? मैंने ये थोड़ी कहा। मेरे भगवान पर उंगली मत उठाना। जो मैंने कहा है। साइलेंस। बैठ जाइए। जज साहब मैं कह रहा हूँ जरूर इन दोनों के भगवानों की मिली भगत होगी। आप इन लोगों की बातों में मत आइए। फरिश्ते भी ऐसा काम नहीं कर सकते हैं। आपका मतलब मेरे भगवान ने तोड़ा? अगर शक किया तो मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा और मैं ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा। उस पत्थर से मैं तेरे दांत तोड़ दूंगा और मैं तेरा सर फोड़ दूंगा। ऑर्डर ऑर्डर योर ऑनर। अगर ऐसे केस लेने लगेंगे तो कल लाखों लोग ऐसे स्टूपिड केसेस के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। आई सीरियसली ऑब्जेक्ट टू दिस केस शुड बी डिसमिस और ऐसे सारे केसेस को खारिज कर देना चाहिए इमीडिएटली। 1 करोड़ का केस तो कोर्ट डिसमिस कर भी दे लेकिन 500 करोड़ के स्कैम का क्या करोगे? कौन से कॉलेज से लॉ पढ़ा है आपने? मुझे तो शक है आपने लॉ किया भी है या नहीं। जज साहब आप प्लीज मुझे इंसाफ दिलाइए। वादी और प्रतिवादी की दलीलें सुनकर कोर्ट इन सभी 700 केसेस को इस केस के साथ जोड़ने का हुक्म देती है। केस से संबंधित सभी विटनेसेस को सभी आरोपियों को केस खत्म न होने तक शहर न छोड़ने का हुक्म देती है। द कोर्ट इज एडजर्न। ये एक सरकारी परिसर है, यहां तुम सुरक्षित हो, पर बाहर ये सब वही लोग हैं जो मंदिर मस्जिद और चर्च में बड़ी उम्मीद से जाते हैं। जब ये सवाल पूछेंगे तो क्या उत्तर दोगे?